हम एक जगह बैठे, तो उसने कहा नहीं यार ये जगह खाली कर दे। मैंने कहा यार हम ऑलरेडी बैठ चुके हैं और तुम कह रहे हो कि आप बढ़िया हैं, और बेगम भी हमारी नाराज़ हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये क्या ट्रीट करेंगे, पहले ही इनका रिस्पॉन्स गलत है तो खाने में कैसा ट्रीट करेंगे। चले जी ग्रिलों से भी बेआबरू होके हम लोग निकले हैं क्योंकि यहाँ भी जगह नहीं मिली। जब आपको खाना ना मिले और भूख लग रही हो तो आपका ये हाल होता है। फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है वीडियो एज यूजुअल वीकेंड स्पेशल हो रही है। वैसे तो नॉर्मली मैं वीकेंड पर ही वीडियो बनाता हूं और आजकल जो है बिजी स्केड्यूल होने की वजह से वीक में सिर्फ एक ही वीडियो बना पा रहा हूं, तो लिहाजा आज वीकेंड की वजह से जो है हमारा प्लान है डिनर करने का, और डिनर में हमारा प्लान है कि सी फूड खाएं। सी फूड के लिए एक तो रेस्टोरेंट है मेरे घर के करीब, एक नया तो नहीं है खैर अच्छा रेस्टोरेंट है, उसके मैंने इंटरनेट पे काफ़ी रिव्यूज़ भी चेक किए हैं, चल के देखते हैं अगर अवेलेबल है कुछ सी फूड तो हम नोश फरमाते हैं, वरना नहीं तो एक पुराना रेस्टोरेंट है जो मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी आपको दिखाया था अपनी बर्थडे जहाँ मैंने बनाई थी, वहाँ पर सी फूड सारा अवेलेबल है। तो लिहाजा अभी करीब वाले को ट्राई करते हैं, अच्छा है अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम वहीं अबू अली जो फिश रेस्टोरेंट है जुबैल का फेमस है जिसकी हाई रेटिंग है इंटरनेट पर, वहाँ हम जाके ट्राई करेंगे। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हम आए हैं जी गोल्ड कोस्ट, यह सी फूड का। पहले मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि अवेलेबल है कि कुछ नहीं। तो दोस्तों मैंने मेन्यू वगैरह ट्राई किया तो वैरायटी कम है और पैसे बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा एम्बियंस तो बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट का नो डाउट, और ट्राई हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें एक तो श्रिम्प्स जो है मैं बड़े शौक से खाता हूँ वो जो है अवेलेबल नहीं है इधर इनके पास, सिर्फ और सिर्फ जो फ्राइड फिश है वो 300 ग्राम जो है 60 रियाल की दे रहा है जो कि थोड़ा सा क्वाइट एक्सपेंसिव है। मैंने आपसे बोला था कि सिर्फ बाहर से ये अच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट, मगर खाना ज़रूरी नहीं है मतलब ये कि अच्छा हो। नहीं खाना तो मैंने इसके अच्छे रिव्यूज देखे, मगर हम जहाँ जा रहे हैं उसके रिव्यूज इससे ज़्यादा अच्छे हैं। और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और उसके बारे में है कि खुबर और दमाम से भी लोग उसके लिए आते हैं। बिल्कुल है, सही है। तो अब हम जा रहे हैं वहीं पे। हाँ ओके। दोस्तों इस टाइम हम मौजूद हैं अबू अली फिश रेस्टोरेंट के पास। हम बेसिकली गए रेस्टोरेंट और वहाँ पर क्या था कि हमसे पहले एक शख्स खड़ा होता तो उसने बात कर ली थी कि भाई मेरी फैमिली आ रही है। उधर थोड़ा फैमिली का बैठने का थोड़ा सेटअप सही नहीं है, मतलब उधर जो भी पार्टीशन लगा देते हैं अगर कोई फैमिली हो तो, दो पार्टीशन ऑलरेडी रिजर्व थे तो हम उसकी फैमिली से आने से पहले पहुंच चुके थे। तो हम एक जगह बैठे तो उसने कहा नहीं यार ये जगह खाली कर दे। मैंने कहा यार हम ऑलरेडी बैठ चुके हैं और तुम कह रहे हो कि आप बढ़िया हैं। तो जब ये बात हुई तो फिर मैंने कहा कि, और बेगम भी हमारी नाराज़ हो गई, तो उन्होंने कहा कि ये क्या ट्रीट करेंगे, पहले ही इनका रिस्पांस गलत है तो खाने में कैसा ट्रीट करेंगे। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल आए। तो अब हम देखते हैं कि अब क्या हमारे लिए बेस्ट है, तो उधर फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ग्रिलो की जी ओपनिंग हो गई ग्रैंड, और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रैंड ओपनिंग के हवाले से कितना बड़ा जगह इन्होंने घेरी है। Meanwhile, चले जी ग्रिलो से भी बेआबरू होके हम लोग निकले हैं क्योंकि यहाँ भी जगह नहीं मिली, बहुत ज्यादा क्राउड है अंदर और हर किसी की अपॉइंटमेंट है, अगर कोई टेबल फ्री भी हो रही है तो उधर कोई ना कोई आके ऊपर खड़ा हुआ हुआ है। तो हमने कहा कि बेहतर है कि यहाँ पर जलील ख्वार होने से बेहतर है कि कहीं और चलते हैं। तो इस टाइम क्योंकि ग्रिलो में ये पूरी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये पूरी ग्रिलो ने अपने लिए बना रखी है, तो लिहाजा खैर अब हम कहीं और चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। Thank you.
जब आपको खाना ना मिले और भूख लग रही हो तो आपका ये हाल होता है? फाइनली एक डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, तो ये बेसिकली किला ऑफ राइस की जगह है, तो किला ऑफ राइस है और ये फ़िश मार्केट में नॉर्मली स्पेशलिटी इसकी फ़िश वगैरह और फ़िश के जो मतलब सी फूड जो भी है वो इसकी स्पेशलिटी है। तो जिस टाइम वहाँ मौजूद है वो फ़िश मार्केट है बेसिकली, यहाँ पर फ़िश की जो है मंडी भी लगती है, मतलब जैसे कि नीलामी होती है वैसे ही यहाँ पर जो है बड़ी मकदार में फ़िश को सेल किया जाता है। तो खैर अभी हम किला ऑफ राइस में अभी ऑर्डर अभी दिया नहीं है, मेन्यू लेके आएगा तो ऑर्डर देते हैं, उसको देखते हैं। Many unbearable hours later. हमारा जी डिनर आ गया है माशाल्लाह से। हमने जो है फिश ऑर्डर की है सुप्रीम, साथ में श्रिम्स है और साथ में उसके बिरयानी राइस है, और जो है फिश सुप्रीम श्रिम्स और बिरयानी राइस। इसके अलावा जो है चटनी हमने मंगवाई, इसके साथ चटनी आ रही है, और इसके अलावा हमने पानी और कोल्ड ड्रिंक साथ इसमें रखा है। किसी ने जी सही कहा है कि सबर का फल मीठा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ना हमारा जो है डिनर हो गया और बहुत मुनासिब दामों में, रेट बहुत मुनासिब है। जो मुझे पहले रेस्टोरेंट में मैं गया था आधा किलो की जो फ़िश है वो तकरीबन 60 रियाल की पड़ रही थी, तो यहाँ मुझे जो है क्योंकि यहाँ सारी जो है ये जो आप देख रहे हैं ये सारी फ़िश मार्केट है, तो ये इधर फिश मार्केट में ही ये किला ऑफ राइस है, उधर एक छोटा सा एरिया ये पूरा इनका देखेंगे आप तो ये पूरा किला ऑफ राइस का बना हुआ है। अंदर बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत मतलब स्टाफ भी बहुत अच्छा है, क्लीननेस भी बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत टेस्टी है, सबसे अच्छा स्टाफ बहुत अच्छा है, हाँ स्टाफ भी अच्छा है, पोलाइट भी है, सर्विस बहुत अच्छी है, खाना का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो बस ट्राई कीजिएगा अगर आप जुबैल में हैं तो। अब चलते हैं अपना दूसरा सफर जारी रखते हैं। एक और चीज, वो एक इनकी चटनी थी पता नहीं क्या मजबूरा दूसरी, हाँ माबूज माबूज थी चटनी। तो खैर जी अब हम चलते हैं दूसरा कोई ना काम निपटाते हैं अपना, तो स्टे ट्यून्ड। खाने से जी फ्री होने के बाद जो है हम आए फार्म, यहाँ से हमने कल घर के हवाले से अपने कुछ ग्रॉसरी खरीदनी है क्योंकि कल फ्राइडे है और फ्राइडे में कुछ स्पेशल कुछ ना कुछ तो घर में बनना चाहिए, इसके लिए हम इधर आए हैं। तो दोस्तों फार्म स्टोर से जस्ट अभी हम फ्री होकर घर पहुँचे हैं और आज बड़ा ही ख्वारी वाला वीकेंड हमारा गुजरा है डिनर के हवाले से, क्योंकि जहाँ भी जा रहे थे तो वहाँ पर या तो जगह नहीं मिल रही थी या तो कुछ जगह मिल रही थी तो उनके कुछ अलग ही नखरे थे। खैर बहरहाल जो भी अभी हमारा डिनर हुआ बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद हम फार्म स्टोर गए थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह खरीदनी क्योंकि कल फ्राइडे है, उसके हवाले से घर में कुछ अच्छी कुछ कुकिंग होनी चाहिए, तो उसके हवाले से कुछ ग्रॉसरी की ख़रीदारी की। तो जस्ट अभी हम घर पहुँचें, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।